हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फिजिकल एजुकेशन विद मी। तो अब तक हमने हमारा जो लास्ट 3 वीडियो है उसके अंदर हमने हमारे लीग टूर्नामेंट किए थे कि कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, और इनको जब इनका फिक्चर ड्रॉ करते हैं तो किस किस तरीके से करते हैं। तो हमने टू टाइप से किया था, एक किया था हमने स्टेयर केस मेथड और एक किया था हमने साइकिलिंग मेथड। ठीक है, तो ये दोनों मेथड हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। देखिए, अब नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या होता है कि जो टीम्स होती हैं नॉकआउट के अंदर हम इजीली विनर को डिसाइड कर लेते हैं कि विनर कौन है। ठीक है, बट लीग में जब सभी आपस में कंपीट करते हैं, सभी आपस में कंपटीशन करते हैं, तो उसके अंदर विनर कैसे डिसाइड करें, आज हम वो करेंगे। तो चलिए, जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं, फर्स्टली क्या है कि लीग के अंदर कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है, जिससे हम क्या डिसाइड करते हैं विनर। जैसे द टीम विच गेट मैक्सिमम पॉइंट्स इन द टूर्नामेंट इज डिक्लेयर्ड द विनर। यस, लीग टूर्नामेंट के अंदर क्या है, हम पॉइंट्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, पॉइंट्स का। ठीक है, जिसके पॉइंट ज्यादा होंगे वो क्या होगा, विनर होगा। और पॉइंट्स कैसे देते हैं हम, पॉइंट्स देते हैं हम जो विनर टीम होती है, मतलब टू टीम का मैच हुआ है, जैसे 1 नंबर और 2 नंबर टीम का मैच हुआ है, इसमें से 2 नंबर क्या होगी, विनर करगी 1 मैच। ठीक है, तो इस टीम के 2 पॉइंट्स हम देंगे। ठीक है, अगर मैच क्या हो जाता है, ड्रॉ हो जाता है, तो 1-1 पॉइंट्स हम ईच टीम को डिवाइड कर देते हैं, और लूजर जो भी टीम हार जाती है उसे कोई भी पॉइंट नहीं मिलता। इफ टॉप टू टीम्स हैज इक्वल पॉइंट्स बाय चांस, हमारे पास यहाँ पे जैसे 4 टीम्स है, ए बी सी डी। ठीक है, बाय चांस ए और बी के पॉइंट्स पॉइंट्स क्या होते हैं, मैच हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके भी 10 हो गए, इसके भी 10 हो गए। ठीक है, इनके आगे कम है। ठीक है, ये सिंपल एग्जाम्पल के लिए है। ठीक है, तो अगर ये दोनों टीम क्या हो जाते हैं, ईच हो जाते हैं, मतलब इक्वल हो जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, देयर मैच इज हेल्ड अगेन, तो हम क्या करेंगे, उनका मैच कराएंगे। बट इफ देयर मैच एंड इन अ ड्रॉ, अगर फिर भी मैच क्या हो जाता है, ड्रॉ हो जाता है, तब हम किसको विनर करेंगे, द टीम विच हैड विन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस इज डिक्लेयर एज द विनर। यस, तब हम उस टीम को डिक्लेयर करेंगे जो मैक्सिमम मैचेस विन की है। बाय चांस ए ने यहाँ पे 2 मैचेस विन किए हैं और बी ने यहाँ पे 1 किया है, तो हम किसको विनर करेंगे, ए टीम को। ठीक है, ये सिंपल एग्जांपल के लिए है कि यहाँ पे 10 पॉइंट बन के मैच 3 हुए, ये जस्ट एग्जांपल के लिए बताया गया आपको। ठीक है, मतलब पहले क्या होगा, अगर टू टीम्स एज हो जा इक्वल पॉइंट्स हो जाते हैं तो उनका मैच होगा, अगर मैच ड्रॉ हो जाता है तो क्या करेंगे, जो भी मैक्सिमम मैच विन किया है जिसने भी, उसको हम क्या कर देंगे, विनर डिक्लेयर कर देंगे। इफ द टाई स्टिल, अगर देन फिर भी टाई हो जाता है तो क्या करेंगे, द टीम दैट हैड स्कोर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्स। यस, फिर हम क्या करेंगे, गोल्स देखेंगे, जैसे बास्केटबॉल में गोल कितनी, बास्केट कितनी है, या हॉकी के गोल हो गए, फुटबॉल के गोल हो गए, मतलब पॉइंट्स जैसे भी, जिस कंपटीशन में पॉइंट जैसे दिए जाते हैं, तो उनका स्कोर देखेंगे किसके ज्यादा गोल है। ठीक है, इफ देयर इज अ ड्रॉ, अगर फिर से ड्रॉ हो जाता है तो हम विनर डिसाइड करने के लिए क्या करेंगे, टॉस करेंगे। यस, यहाँ पे हमारे पास क्या है, सबसे पहले क्या है, इजिली वे में अगर हमारे पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, पॉइंट्स इक्वल हो जाते हैं, तब क्या करेंगे, मैच करेंगे इसके अंदर। ठीक है, अगर मैच भी क्या हो जाता है, ड्रॉ हो जाता है, अगर मैच क्या हो गया, ड्रॉ हो गया, तब हम क्या करेंगे, जिस जो ज्यादा क्या किया है, जिसने मैच को विनर विन किया, भाई जिसने ज्यादा मैच जीते हैं, ठीक है, वो क्या होगा, विनर होगा। ठीक है, मैक्सिमम मैच विनर। ठीक है, अगर फिर भी टाई हो जाता है तो क्या देखेंगे, किसके मैक्सिमम क्या है, गोल है। ठीक है, अगर फिर भी टाई होता है तब हम क्या करेंगे, एट लास्ट में टॉस करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा, साथ ही आपको लर्न भी हो गया होगा। इन एडिशन, इसके अलग भी
विनर डिसाइड करने का क्या है मेथड है, मेथड विच आर आल्सो यूज्ड टू ड्रॉ गेट्स लूजर टू ऑफ द मैचेस गेट डिक्लेयर द विनर। मतलब इसके बाद भी बहुत मेथड हैं जो लूजर और मतलब विनर को क्या करते हैं डिक्लेयर करते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा ब्रिटिश, ठीक है, टू मेथड है यहाँ पे, एक है ब्रिटिश और सेकंड है हमारा अमेरिका, ठीक है, हम ये दोनों ही अच्छे से अभी डिस्कस करेंगे। इन दिस मेथड द टोटल पॉइंट्स ऑब्टेन आर डिवाइडेड बाय द टोटल पॉसिबल पॉइंट्स। अब जैसे इसमें क्या है कि टोटल पॉइंट्स ऑब्टेन, ठीक है, अगर यहाँ हमारे पास 8 मैचेस होने हैं, ठीक है, एज्यूम कर लो 8 मैचेस होने हैं हर टीम के, ठीक है, नंबर ऑफ मैचेस कितने हैं 8 हैं, नंबर ऑफ मैचेस हमारे पास 8 हैं, तो यहाँ पे पॉसिबल मतलब मैक्सिमम पॉइंट कितने होंगे, विनर का कितना पॉइंट है 2, ठीक है, 8 टू जा 16, तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट कितने होंगे 16, तो यहाँ पे टोटल टोटल पॉसिबल पॉइंट कितने होंगे 16 होंगे, ठीक है, और ऑब्टेन पॉइंट कितने हैं जितने की टीम के बन रहे हैं, जो भी उसने विन किया है लूज किया जितने पॉइंट टीम के बन रहे हैं। देखिए एग्जांपल देखते हैं अब हम, इफ टीम हैज प्लेस्ड 10 मैचेस, यस यहाँ पे नंबर ऑफ मैचेस कितना है 10 है, ठीक है, किसी टूर्नामेंट में, और विन करती है टीम 6 मैचेस, वो क्या करती है विन करती है, और 2 मैचेस क्या करती है लूज करती है, और 2 रिमेन क्या जाते हैं ड्रॉ हो जाते हैं। देखिए अब यहाँ पे 6 मैचेस क्या किए विन किए, तो यहाँ पे कितने हो गए पॉइंट उसके 12 पॉइंट्स यहाँ पे हो गए, ठीक है, 2 मैचेस लूज किए, लूज का कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है, और 2 मैचेस क्या हो गए ड्रॉ हो गए, ठीक है, और एक ड्रॉ का कितना पॉइंट मिलता है 1, तो 2 यहाँ पे हो गए, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास 14 पॉइंट कितने हो गए 14, ठीक है, और पॉसिबल पॉइंट कितने हैं, पॉसिबल पॉइंट है हमारे पास 20, 20 कैसे, जैसे 10 मैचेस थे और इनटू 2 मैक्सिमम, तो यहाँ पे 20। अब फॉर्मूला देखते हैं टोटल पॉइंट ऑब्टेन, ठीक है, एक हिसाब से परसेंटेज निकालनी है हमने इसके अंदर, ठीक है, परसेंटेज आपको पता ही है कैसे निकलती है कि जितने हमारे मार्क्स आते हैं डिवाइड बाय जितना भी टोटल होता है और मल्टीप्लाई 100, तो ऐसे ही है टोटल पॉइंट ऑब्टेन कितने पॉइंट लिए हैं 14, और टोटल पॉसिबल पॉइंट कितने हैं मतलब कितने में से है 14 ये 20 में से, और इनटू 100, तो परसेंटेज ऑफ पॉइंट कितने आ गया 70, ठीक है, ये हमारा ब्रिटिश मेथड। आई होप आपको समझ आ गया होगा, इसके अंदर कुछ नहीं है, जितने भी आपके मार्क्स, फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम हुआ है 10 नंबर का, ठीक है, अब 10 में से अगर किसी के 10 आते हैं तो कितना परसेंट है ये 100% है, अगर 10 में से किसी के 9 आते हैं कितना परसेंट है 90% है, ठीक है, ये कैसे निकलते हैं देखिए, अगर 9 को ऊपर रखेंगे नीचे 10 रखेंगे इनटू 100, 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पे 90 आ जाता है, ठीक है, ऐसे ही सेम है, जितने पॉइंट्स आते हैं कितने में से आएंगे मतलब टोटल पॉसिबल पॉइंट कितने हो सकते हैं और इनटू 100। अब आता है हमारा अमेरिकन मेथड, देखिए अमेरिकन मेथड भी एज इट इज है, बट इसके अंदर क्या है हम सिर्फ विनिंग मैचेस लेते हैं, ठीक है, इन दिस मेथड नंबर ऑफ मैचेस विन आर डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, मतलब कितने मैचेस खेले हैं उसमें से जितने जीते हैं हम सिर्फ वो मैचेस लेंगे, जैसे 10 प्ले कितने किए 10 गेम, जिसमें से 5 मैचेस क्या हुआ विन किए, तो मैचेस विन ऊपर आ जाएगा और कितने में से किए हैं वो नीचे आ जाएगा इनटू 100, जैसे हमने एग्जांपल में बताया था कि 5 गेम्स क्या किया विन किया और कितने में से किया 10 में से, तो परसेंटेज कितनी होगी 50, ठीक है, और इस मेथड के अंदर क्या है कि हम टाई को इंक्लूड नहीं करते, अगर किसी का कोई मैच ड्रॉ हुआ है, जैसे उसने 10 मैचेस खेले थे जिसमें से उसके 2 मैचेस ड्रॉ हो गए हैं, ठीक है, और उसने 5 मैचेस विन किए हैं और 3 मैचेस क्या किए हैं लूज किए हैं, ठीक है, तो हम सिर्फ ये विनिंग मैचेस लेंगे, इसके अंदर ड्रॉ को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, बट ब्रिटिश मेथड में क्या है हम ड्रॉ को यूज मतलब इंक्लूड करते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है, सिर्फ चीज वही है, सिर्फ थोड़ा सा घुमा फिरा के किया हुआ है, ब्रिटिश मेथड में हम पॉइंट्स को प्रॉपर लेते हैं, ड्रॉ को लेते हैं, बट अमेरिकन मेथड में हम ये नहीं लेते।
आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। हमारा जो लीग है ये भी आज हमारा कंप्लीट हो गया है। इसका फिक्सचर हम टू टाइप से ड्रॉ करते हैं, एक हमने स्टेयर केस किया है और एक हमने किया है साइकिलिंग। ठीक है, एक और मेथड है टेबुलर मेथड है। अगर आप चाहते हैं कि ये मेथड मैं करवाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अपनी सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, आज हमने इनका हम विनर कैसे डिसाइड करते हैं, इनके पॉइंट्स कैसे दिए जाते हैं, वो हमने आज कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए, बिकॉज फीडबैक से हमें भी क्या मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है हमें भी, और अच्छा हम अपना जो कंटेंट है वो हम अच्छा देने की पूरी पूरी अपनी कोशिश करेंगे। लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। लर्न टुगेदर एंड स्टार्ट फ्रॉम नाउ।